नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सितारों पर कोरोना का कहर, 34 घंटों में 11 सेलेब्स निकले कोरोना पॉजिटिव। जियो प्लेटफॉर्म पर अब क्वालकॉम करेगी 730 करोड़ रुपए का निवेश। राहुल ने चार्ट शेयर कर पूछा कि क्या कोरोना की लड़ाई में भारत सही पोजीशन पर है। हिमाचल मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार। झारखंड में फोटो वायरल, जेल में दरबार लगाते हुए दिखे RJD प्रमुख लालू यादव। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर सचिन पायलट BJP में जा रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी होगी रिहा, मुकदमा वापस लेगी पुलिस। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग, मौके पर कई दमकल की गाड़ियां मौजूद। BJP नेता ओम माथुर ने कहा कि CM पद की गरिमा गिरा रहे हैं अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में CM शिवराज ने किया विभागों का बंटवारा, गोपाल भार्गव बने लोक निर्माण मंत्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छुपे 3 आतंकी, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,827 नए मामले, दिल्ली में भी 1500 से ज्यादा केस। सिंगापुर में कोरोना के 178 नए मामले, 46,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। आज सावन का दूसरा सोमवार, शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पाकिस्तान में कोरोना का बढ़ रहा ग्राफ, 24 घंटे में 2,500 मामले सामने आए। वंदे मातरम मिशन के तहत UAE से 152 भारतीयों को लेकर इंदौर पहुंचा विमान। अंडमान निकोबार के दिजलीपुर में 4.3 तीव्रता का भूकंप। राजस्थान में BJP ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी झगड़े से परेशान गहलोत सरकार। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम, 70 रुपए पर पहुंचा टमाटर। राजस्थान में बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने विधायकों को जारी किया व्हिप। सिक्किम में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश, कई इलाकों में हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस MLA प्रद्युम्न सिंह ने शिवराज की मौजूदगी में BJP का थामा दामन। अनुपम खेर की मां आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट, भाई फैमिली समेत होम क्वारंटाइन। अमिताभ ने जताया फैंस का आभार, ट्वीट कर कहा कि प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। एकता कपूर की बालाजी कंपनी की VP को हुआ कोरोना, अस्पताल में भर्ती।